दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सब बोलो आमीन। फिर बोलो आमीन। लिखा दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। बोलो बढ़ाया। वो आपको भी बढ़ाएगा। और कैसे बढ़ाएगा? उसने कहा इसीलिए परमेश्वर उसके संग रहा और उसको बढ़ाया। परमेश्वर उसके संग इसीलिए आया और इसीलिए बढ़ाया क्योंकि लिखा सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया था। वो ठहर चुका था, उसने ठान लिया था कि जो काम मेरे पिता ने दाऊद ने अधूरे छोड़े हैं उसको मैं पूरा करूंगा और मैं परमेश्वर के राज्य को चलाऊंगा परमेश्वर से समझ बुद्धि लेने के बाद। और इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहा और उसको बहुत ही बढ़ाता रहा। सब बोलो आमीन। आज हम बढ़ना चाहते हैं मगर हम स्थिर नहीं है। देखा सुलेमान पहले स्थिर हो गया तब परमेश्वर उसके संग रहा और उसको बढ़ाया परमेश्वर। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की हजूरी में, इसलिए दाऊद ने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कि जब तक हम टिकते नहीं है तो हम बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया कि तुम ऐसे पौधे हो, ऐसा पेड़ हो, ऐसा बीज हो कि जो परमेश्वर आपको लगाता है, मगर जब हमें उखाड़ कर कहीं और लगा दिया जाता है, जगह चेंज कर दी जाती है, तो वो उसकी क्या कहते हैं कि जड़ों को हवा लग गई जी, वो सूख गई। मगर लिखा एक ही जगह पर है? इसकी चर्चा जब दाऊद ने दूसरी बार की कि जो पेड़ जो है, जो वृक्ष जो है नदी के किनारे लगा रहता है, उसकी जड़ें जो हैं मजबूत होती हैं और उसका फल जो है लगता है, पत्ते मुरझाते नहीं और ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार उसमें फल लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है पेड़ एक जगह। आमीन। और इसी तरह जो सुलेमान था वो स्थिर हो गया, उसने कहा कि नहीं मैं परमेश्वर के को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करूंगा और मैं परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करूंगा और जो मेरे पिता ने काम को अधूरा छोड़ा है मैं उसे बनाऊंगा। क्योंकि वो काम कौन सा अधूरा छोड़ा? वो परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था। उसने सोना चांदी लकड़ी पत्थर जो भी था वो इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो जब सुलेमान स्थिर हो गया कि नहीं मैं इस काम को करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो लिखा परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा। परमेश्वर के काम करते हैं जब हम, तो परमेश्वर हमारे संग चलता है। कितने जन समझ रहे? मैंने देखा बहुत सारे लोग, हाँ जी हम प्रभु में हैं जी हम चर्च, मगर जब आप उनके साथ मिलोगे तो कोई प्रभु में नहीं है, कोई चर्च नहीं है। उनका पता तब चलेगा जब घर में कोई शादी आएगी, तब पता चलेगा वो प्रभु में है कि नहीं है। उनका पता तब चलेगा जब आप हर संडे उन्हें चर्च में देखोगे। तो ये वफादारी है परमेश्वर के साथ स्थिर रहना। और जब हम परमेश्वर से संगति रखते हैं, रेगुलर संगति रखते हैं, तो हम उस पेड़ के समान बन जाते हैं। फिर ऋतु के अनुसार हमें फल लगता है। ऋतु के अनुसार मतलब कि जब उचित कार्य करने के लिए हमारे पास फिर बहुत कुछ होता है। आज किसी को बोल लो कि चर्च में बोना है, हमने चर्च में ये करना है, हम बोलेंगे यार हमारी तो तनख्वाह खत्म होगी, हमारे पास पैसा नहीं है। मगर बाइबल क्या कहती है? कहते हैं उचित समय के लिए उनके पास बहुत कुछ हो। भले कामों को करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, भलाई के काम करने की बारी आती है तब हम सोचते हैं, मगर उसके लिए इसीलिए क्योंकि स्थिर नहीं है। पौलुस कहता है कि जो कहता है कि मैं स्थिर हूं, कहता वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। तो राजा सुलेमान क्या हुआ?
सुलेमान ने निश्चय कर लिया, स्थिर हो गया प्रभु में, कहता मैं तेरा ही भवन बनाऊंगा, जो काम मेरे पिता ने अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करूंगा। तो भवन किसका बना रहा था? वो परमेश्वर का। तो परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर ने उसका साथ दिया। कितने जन समझ रहे? क्योंकि जब हम परमेश्वर के काम करते हैं, उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के नाम को लेके जाते हैं, सुसमाचार को लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसकी इसकी ये निशानी है, उसका ये चिन्ह है कि वो काम आपसे हो जाएगा अगर आप परमेश्वर का काम करने के लिए जा रहे हो। देखा, जब और उसको बहुत ही बढ़ाया, बढ़ने का कारण क्या था? अपने पड़ोसी से बोलो कि वो स्थिर रहा, फिर बोलो वो स्थिर रहा और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जब हम स्थिर रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू करता है। ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन परमेश्वर ने हमें बढ़ाना होता है, उस दिन हम चर्च से छुट्टी कर रहे होते हैं। जो दिन होता है हमारा, कहते हैं आज का दिन किसने बनाया, हम पूरा हफ्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज मुझसे बात करना, परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को सुन लेना। मगर उस दिन क्या होता है? मगर हम चर्च में मौजूद नहीं होते, क्योंकि वो ही दिन होता है जब परमेश्वर ने हमारे लिए चुना हुआ होता है हमें बढ़ाने के लिए। और हम परमेश्वर ने दूतों को, स्वर्ग दूतों को कहा होता, ठीक है आज फलाने बच्चे आ रहे मेरे, आज उनको आत्मिक गिफ्ट देने हैं, फिर मैसेज आता है कि वो तो आज आए नहीं। हाँ जाना, कितने जन समझ रहे? क्योंकि जब बाइबल कहती है जो विश्राम दिन है उसको परमेश्वर ने क्या किया है? पवित्र किया है और आशीष दी। और अब हम आशीष लेना चाहते हैं मगर हम विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करना चाहते। कितने जन समझ रहे? हम पवित्रताई में बढ़ना चाहते हैं मगर हम पवित्रताई में आ नहीं रहे। हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठ नहीं रहे। और चलना हमने अपनी मर्जी से है, मगर बाइबल कहती सुलेमान स्थिर हो गया और यहोवा उसके साथ आ गया और उसको बढ़ाया उसने। सब बोलो आमीन।